Hi everyone, I'm Juggun Kazim. If you like this video, please like, share and comment. And please, please, please subscribe to Rewind with Samina Peerzada. आज रिवाइंड विद समीना पीरजादा में मैंने जुगन को इनवाइट किया है. जुगन काजिम को मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत बबली है, खुश नज़र आती है, शरारतें करती है सेट पर, बहुत जेनरस है, बहुत सारी खाने की चीज़ें लेकर आती है, कभी किसी को ना नहीं करती. लेकिन इस सारे बबल के अंदर, इतने बड़े बबल में क्या छुपा है, आज मालूम करेंगे. जुगन जुगन कैसे बनी, उसका असली नाम क्या है, क्या जुगन ही असली नाम है, ये सब पूछेंगे. क्यों जुगन, ये जुगन कैसे नाम बना, रियल नाम क्या है, यही रियल नाम है? असल नाम इज सैयदा मेहरबानो काजिम, एंड आई डोंट थिंक कि मैं बिल्कुल भी सैयदा मेहरबानो काजिम हूँ. तो ये खुद को दिया नाम या किसी और ने दिया? मेरी बहन का नाम शहरबानो था, सैयदा शहरबानो काजिम. तो आपाज ने, बड़ी है? जो बड़ी है, दो साल बड़ी है, उनका नाम अब उनको चिंकी बुलाते हैं प्यार से. नहीं, शदीद पॉलिटिकली इनकरेक्ट नाम ना, कि बेचारी की आंखें ऐसी सी थी तो उसका नाम चिंकी रख दिया. अब बंदा बताए तो भाई को क्या कहते हैं? भाई का नाम असद ही है, उसकी अभी भी इज्जत बरकरार है बेचारे की. जुगनू होना था बिकॉज ऑफ जुगनू आपा, जुगनू मोहसिन, उनसे बहुत लाड था मेरी अम्मी का, अभी भी है. तो उन्होंने उनके उनके नाम के पीछे मुझे कहती है, देखो जुगनू जैसी लगती है तो इसको भी जुगनू, बिकॉज आई वाज अ डंगर. तो द नेम जस्ट changed into Jugan over time because Jugnu bhi nahi. Why do you call yourself Dangar? Because I'm very much a Dangar. I'm happy Dangar. Like I'm quite like I'm wo jo kehte na my munda Dangar. My munda type. Nahi to phir Dangar kaun sa? Nahi wo Dangar bhi to bahut sare hain. Wo to kala sa hota hai jo thoda ajeeb sa hota hai magar masoom bhi hota hai bechara. Acha kya bandar ya kaun sa, which Dangar do you think you are? If I say a cocker spaniel, people will be like, oh, that's so adorable. No, I find myself more cocker spanielish than anything else. Because मुझे भी एक दफा पूछा था ना बहरीन जबान ने कि आप अपने आप को कौन सा जानवर समझती हैं, तो मैंने कहा मैं स्वान. स्वान तो तुम अपने आप को cocker spaniel, ताकि गोदी में ले सकें, प्यार कर सकें, लाड़ियाँ हो, कान भी और वो सारा कुछ. पैदा कहाँ हुई? लाहौर गंगाराम हॉस्पिटल. क्या दिन था, बारिश हुई थी, तूफान आया, मुझे लग रहा है कि कुछ आंधी तूफान और कुछ बेड़ा गर्क सा हुआ था. बट 7th of January आई वॉज बॉर्न इन गंगाराम हॉस्पिटल. इट वॉज आई थिंक अ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन. नो, आई थिंक यू आर अडोरेबल. अच्छा, इतने जेनरस कैसे हो, ये कहाँ से आया? आई थिंक मेरी नानी, बिकॉज मेरे पेरेंट्स क्योंकि किसी सेट पर तुम खाली हाथ नहीं जाती. आ जाए ना भागती नहीं, sure गाड़ी में कुछ नहीं, गाड़ी में कुछ भी नहीं, सिर्फ नहीं एक कटा हुआ सेब है. ड्राइवर को भेजा होगा, ड्राइवर को कुछ ले आओ, है कुछ नहीं तो खताइयां ले आओ, कुछ ले आओ कुछ. एक्चुअली मेरी नानों की और अब्बू की एक ये कॉम्बिनेशन है. मेरे अब्बू कभी भी कहीं खाली हाथ नहीं जाते थे और मेरी नानी हमेशा ही लोगों के लिए कुछ ना कुछ बनवा के उनको खिला रही. बचपन कैसा था, तीनों बहन भाई कजन्स के साथ शरारते? काफ़ी ज़्यादा शरारतें हैं, टू अ पॉइंट वेयर वो जो होते नहीं है बच्चे जिनको ADD होता है और हाइपर से होते हैं. दरख्त चढ़े? दरख्त भी चढ़ी, दरख्तों से गिरी भी. क्रिकेट खेली? क्रिकेट बहुत खेली, बहुत लड़कों को मारा, लड़कियों को भी मारा, मतलब बचपन सारा मारते कुटते हुए आरे बाजार. और मार खाई? नहीं कभी. माँ बाप से मार खाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बाकियों का सबका जो है वो हिस्सा मेरे ऊपर निकाल देते थे. बट कभी किसी को, वो जो कहते हैं ना कि कभी किसी से मार उस तरह से नहीं खाई, वो आगे जाके खाई. Your parents divorced when you were? They divorced when I was 9. लेकिन उनकी सेपरेशन हो गई जब मामा प्रेग्नेंट थी मेरे भाई के साथ. और मेरे भाई में और मेरे में 13 माह का फ़र्क है. सो मैं कुछ महीनों की थी, मामा वॉज एक्सपेक्टिंग माई ब्रदर. उस वक्त सेपरेशन हुई, फिर वापस पैचअप, फिर ब्रेकअप, मतलब कुछ वो तमाशा ही चलता रहा मतलब. बट उसके बाद कुछ हालात ठीक नहीं हो पाए एंड फिर आई थिंक 7-8 साल सेपरेटेड रहे. एंड देन मेरे अबू की जब फिर उन्होंने, मेरी अम्मी ने भी उनको पुश किया कि कर लो शादी ये वो, तो फिर उन्होंने तलाक लिए एक दूसरे से. तो कैसा रहा?
मुझे अगर कोई पूछे ना कि कैसा होता है माँ बाप का साथ रहना, हाँ। तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं. तो वो एक होता है ना ख्वाहिश कि हाय जैसे अम्मा बाप पहले थे वैसे हो जाएं, कभी देखा ही नहीं. हाँ, दूसरों के घरों में जाके बड़ी ख्वाहिश होती थी कि ये ठीक है, ऐसे ऐसे अच्छा होता है कि अम्मा भी हैं अब्बा भी हैं. लेकिन हमारा ये होता था कि क्योंकि 5 दिन हफ्ते के हम मामा की तरफ होते थे, वीकेंड पे डैडा के घर होते थे. अब्बा बहुत स्ट्रिक्ट थे, मामा भी बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन वो डिफरेंट किस्म के स्ट्रिक्ट थे. डैडा बहुत कंजर्वेटिव थे, शलवार कमीज़ पहननी है, अगर शलवार कमीज़ पहनी है तो इतने बाजू भी नहीं पहनने, फुल बाजू होने चाहिए. बहुत ओवर प्रोटेक्टिव बेटियों के बारे में, स्पेशली मेरे साथ बहुत वो होते थे. बहन मेरी दूसरी और मेरे अम्मी जो हैं वो जीन्स टी शर्ट जो मर्ज़ी पहनो, कपड़ों से ले के. मामा को इशू नहीं था कि अगर मैं थोड़ा बहुत जो है वो आर्ट्स की तरफ आऊँ. माई फादर इवन दो उनका बड़ा रुझान था मीडिया आर्ट्स, बिल्कुल वो मीडिया में थे, अपने टॉक शो करते थे, और तो उनको ये था कि बेटी बेटियों को तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए. इवन तो जब हम छोटे थे तो मॉडलिंग वगैरह एड्स वगैरह में इजाज़त थी. मुझे एक दफ़ा फोर्थ इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल था उसमें होस्टिंग की इजाज़त मिली, वो भी क्योंकि उस्मान पीरज़ादा ने इजाज़त ली स्पेशली कि इसको प्लीज़ करने दो. तो माय फादर सेड के चलो ठीक है क्योंकि होस्टिंग है, मगर कपड़े ऐसे और ये और वो सारी बातें मान ली गई और वो हो गया. लेकिन बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव अपब्रिंगिंग अब्बा की तरफ से, और अम्मी का गुस्सा तेज़ था लेकिन वो उस तरह से कंजर्वेटिव नहीं थी. क्योंकि मुझे याद है कि जब भी मैंने कोशिश की कि मैं तुम्हें कास्ट कर लूँ तो मुझे पता था कि इजाज़त नहीं मिलेगी. तुमने भी कहा नहीं मिलेगी, वहाँ से भी जवाब आया. और मैंने आपको कहा कि आप पूछें ज़रूर, क्योंकि मुझे शौक़ बहुत था. हाँ. बहुत ज़ोर का शौक़ था, लेकिन इजाज़त. स्कूल में क्या करती थी, कहाँ पढ़ा और फिर बाहर कैसे चली गई? स्कूल लाहौर ग्रामर स्कूल में पढ़ी, डिफेंस वाली जो ब्रांच है नीलम हुसैन की जो है, वहाँ पे ऑल गर्ल्स स्कूल था. मैं बहुत हाइपर थी, मेरी बड़ी बहन मुझसे 2 साल बड़ी उसी स्कूल में पढ़ती थी, और बहुत ज़्यादा पढ़ाकू और वेल बिहेव्ड, मतलब वो जो एक टेक्स्ट बुक परफेक्ट बच्चा होता है वो आपा, और उसका पोलर ऑपोजिट में. टीचर ने डांटा और कहा कि अब यूनिफॉर्म गंदा क्यों है, तो अगले दिन तस्मों से अपने स्नीकर्स कानों में फ्लीट बूट होते थे सफ़ेद वाले, वो बांध के स्कूल आ जाना कि जो करना है कर लो. फिर डांट पिटनी तो टीचर के लिए अगले दिन केक बना के लाना मनाने के लिए, लेकिन उस केक में मिर्चें होना और ब्लीच डाल के ले आना. मतलब कोई तरीका मैंने नहीं छोड़ा टीचर्स को टॉर्चर करने का और अपने आप को एक्सपेल. जाती थी घर, फिर क्या होता? घर तो जाती थी तो मेरे साथ मेरी प्रिंसिपल करती थी, और जो वाइस प्रिंसिपल करती थी वो अल्लाह उनको खुश रखे जो मैंने उनका हाल किया है. वो होता ना कि लोग कहते हैं कि स्कूल सिस्टम्स अच्छे नहीं होते, कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे पागल होते हैं. मुझे बेसिकली मैथ्स की और उर्दू की समझ नहीं आती थी, मेरे वो जो कहते हैं ना पल्ले नहीं पड़ता था, डांटे पिटती थी. उन दो सब्जेक्ट्स की वजह से मैं सारा गुस्सा बाकी सब्जेक्ट्स पर भी निकाल देती थी. फ्रस्ट्रेशन, समझ नहीं आती थी. हम लोग नहीं रिकग्नाइज़ करते ना, अब करना शुरू किया है कि बच्चों को भी मसाइल हो सकते हैं पढ़ने के, चीज़ नहीं समझ आती, हर बच्चे का हर चीज़ का एप्टीट्यूड नहीं होता. तो बहुत स्ट्रगल किया स्कूल में. व्हेन यू शेयर सो मच एंड टॉक सो मच एंड यू आर सो फनी एंड नॉटी एंड आई थिंक सच एन एक्सट्रोवर्ट, इज इट बिकॉज पेरेंट्स साथ नहीं थे कि इससे पहले के कोई पूछे तो मैं पहले ही बता दूँ? क्योंकि इतनी डांट खाई बचपन में हमेशा, और हमेशा यही बताया गया कि बेवकूफ़ हो, झल्ली हो, स्टूपिड हो, दिमाग नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ बन नहीं पाओगी. तो जब भी ज़िंदगी में कुछ अचीव भी किया तो ये महसूस हुआ कि जैसे ये तो वैसे ही हो गया, ये दिस मस्ट बी समथिंग बाय लक, ये तो मेरी वो जो कहते हैं ना औकात ही नहीं है मेरी वाला जो एटीट्यूड है. तो फिर इससे पहले कि कोई मजाक उड़ाए मैं अपना मजाक उड़ा देती थी, और अभी भी उड़ाती हूँ. इससे पहले कि कोई तनकीद करे मैं अपनी तनकीद इतनी कर देती हूँ कि अगले कहते हैं इसको अब हम कहें क्या, इसने तो अपनी खुद ही इतनी वो जो कहते हैं ना बिस्ती कर दी है. सो इट वॉज वन ऑफ दोज थिंग्स. बट येस, बिकॉज एक वो डिज़ायर थी ना कि कहीं से लाड मिल जाए. दोनों हर वक्त लड़ रहे होते थे और एक दूसरे के मतलब वो जो कहते हैं ना पड़े हुए होते थे एक दूसरे को. मामा के घर जब वापस आना संडे की वो मतलब वीकेंड की रात थी, उस वक्त आई थिंक फ्राइडे होता था, फ्राइडे सैटरडे थोड़े दिन के लिए था, कुछ दिनों के लिए आया. हाँ. था फिर उसके बाद स्विच ओवर हो गया था फिर तो. मतलब जब वीकेंड से वापस आना तो उस रात को और अगला दिन मामा और डैडा की लड़ाई चलते रहना, दो तीन दिन सुकून होना फिर उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाना, क्योंकि अब डैडा की तरफ भेजना है, वो कह रहे हैं 4 बजे भेजना है, मामा कह रही है नहीं ट्यूशन से फारिग 5 बजे होंगे तो 6 बजे आएंगे, फिर वहाँ पर जाना तो उधर मूड ख़राब होना, तो वीकेंड का तो हमेशा ही बेड़ा गर्क होता. तो मतलब कॉन्स्टेंटली लड़ाइयाँ झगड़े फसाद. अक्सर मैं आई थिंक इशूज़ इसलिए क्रिएट करती थी या मसला कोई क्रिएट करती थी कि अटेंशन हट जाए उस चीज़ से.
अगर दो लोग लड़ रहे हैं, आप कोई चीज़ गिरा दो तो दो सेकंड के लिए वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना. अगर दो लोग लड़ रहे हों, आप उनसे ज़्यादा ऊंचा कुछ करते हैं तो वो उधर उनकी तवज्जो जो है वो शिफ्ट हो जाती है. तो इट वॉज़ अ लॉट ऑफ ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट पीपल फ्रॉम फाइटिंग एंड आर्ग्यूइंग एंड पढ़ोइंग एट ईच अदर. बड़े साल तक झगड़ा चलता रहा. बड़ी बहन का क्या रिएक्शन था? आपा बहुत तहम्मुल वाली, क्वाइट. आपा इज़ एन इंट्रोवर्ट, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट. और भाई? छोटा भाई भी इंट्रोवर्ट है ज़्यादा. How come you took on everybody? Because दोनों को वो दोनों perfect children थे ना. I don't think so कि perfect children होना है. I think I feel कि you became their support, their back. वो तो अब ना, वो तो अब जाके. But as a child also. उस वक्त होता है. असद को मैं protect करती थी. You became the mom. In a sense. और हम दोनों की mom आपा थी. सो हम दोनों की मॉम आपा थी, इसीलिए आपा जो है ना वो बुढ़ी रू सब कहते हैं कि ये तुम्हारी. बच्चे करते हैं ये, उनका एक तरीका होता है सर्वाइवल का. जहाँ से कमी हो रही होती है, देन दे स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर. या आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड. सो आपा बिकेम आ पेरेंट, आई स्टार्टेड बिकमिंग असद सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टर एंड कीपिंग एन आई ऑन हिम. और इसी तरह कुछ हमारा चाइल्डहुड गुजर गया. हु वाज कीपिंग एन आई ऑन यू? आपा बेचारी कोशिश करती थी, बट मतलब इट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स कि उसके अपने इतने मसाइल. वर यू कीपिंग एन आई ऑन योरसेल्फ? नॉट रियली. आई वाज टू बिजी सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट कि मैंने करना क्या है. मेरे जिंदगी में गोल ये था कि किसी तरह इन सबसे जान छुड़ाओ और भागो, क्योंकि ये तो मुझे समझते नहीं है. तो अब मैं किसी तरह निकलूँ यहाँ से. और भागी कैनेडा? मतलब भागी इस लिहाज से कि मतलब सारे ही फैमिली के बच्चे बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, तो मैंने भी अप्लाई किया. सब ने कहा इसका हो गया दाखला तो देखेंगे. फिर मैं कनेड भी गई 2 साल के लिए, एफए किया वहाँ से. कनेड से जब ख़त्म हो रहा था टाइम, तो मैंने वैसे ही अप्लाई कर दिया 4-6 यूनिवर्सिटीज़ में इधर उधर. तो मेरी कैनेडा में एक यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑन्टेरियो, जिसको अब वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कहते थे, चेंज द नेम, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया. अब अच्छी यूनिवर्सिटी, साथ में उस ज़माने में उन्होंने $4,000 स्कॉलरशिप भी दे दी. तो यू नो वो हो गया. सिर्फ उनकी ये चीज़ थी कि पहले सेमेस्टर के बाद हम गेज करेंगे कि हमने आपको रहने देना है कि नहीं, बिकॉज एफए को वो रिकग्नाइज नहीं करते थे. कहते हमें नहीं पता इसका मतलब क्या है. तो मैं फिर वहाँ चली गई. जाने से पहले रोने पिटने, मर जाऊँगी, गिर जाऊँगी गाड़ी के नीचे अपनी आपको दे, कोई ड्रामा नहीं छोड़ा. मामा नहीं जाना, नहीं जाना. फाइनली फिर मेरी खाला रेहाना सहगल ने और 2-3 और लोगों ने समझाया कि खुदा का वास्ता जाने दो. एंड यू नो हम अक्सर अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं कि जैसे वो इंसान नहीं है घर में. जिस तरह पेट्स के नहीं इर्द गिर्द हम बात करते, हम तो पेट्स को भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह करते हैं कि जिस तरह वो हमारी एडल्ट्स की तरह ये हमारे कंपेनियंस हैं. तो मेरे अराउंड बातें हो रही हैं कि जैसे मैं हूँ ही नहीं. और मुझे आज भी याद है इसने वापस आ जाने, शर्त लगा लो 3 महीने में, 3 महीने क्या 2 दिन में आ जाएगी. इसने वहाँ पहुँच के इसने पैसे ज़ाया करने, हर चीज़ गर्क करती है ये. यू नो वो सारी बातें ऐसे मेरे दिमाग में जाके बैठी कि मैंने कसम खा ली कि मर जाऊंगी मगर डिग्री ख़त्म करे बगैर नहीं वापस आऊंगी. और क्या पढ़ा? तो कनाडा चली गई. पढ़ा क्या? वहाँ पे जाके मैंने मीडिया इन्फॉर्मेशन टेक्नोकल्चर एंड सोशियोलॉजी विद अ माइनर इन साइकोलॉजी. सो ये सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े. अच्छा वहाँ चली तो गई. वहाँ से मेरी अम्मी को, अम्मी का पहले ही हफ्ते के बाद जब मेरी उनसे डिटेल में बात हुई तो उन्होंने कहा एक बात मैं बता दूँ, एक एक्टिंग का कोर्स लिया, एक कोई तुमने इस टाइप की चीज़ की जिसमें मुझे कहती, क्योंकि तुम्हारी सारी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ट्रांसक्रिप्ट घर आए. मैं ऑनलाइन अपना रिजल्ट देखती हूँ, यूजली ट्रांसक्रिप्ट स्टूडेंट को मेल होती है ना, बट आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि पेरेंट्स को भी एक कॉपी आए. तो वो पार्ट ऑफ द डील थी कि हर ट्रांसक्रिप्ट, हर सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो मामा के पास जाएगा. और उस पर डिपेंड भी कर रहा था कि मैं रहूँगी कि नहीं इस यूनिवर्सिटी में. इतनी क्या हार थी शो बिजनेस से? I've always wondered. I was 4 years old. मुझे किसी ने पूछा बड़ी होके क्या बनोगी, मैंने कहा बड़ा होके एक्टर बनूंगा. I wanted to be अमिताभ बच्चन. I didn't want to be श्रीदेवी or माधुरी or any of these. I wanted to be अमिताभ बच्चन. I had no idea that I was female or male. मुझे ये नहीं पता था, मुझे सिर्फ ये पता था कि मैंने बड़े होके अमिताभ बच्चन बनना. तो वो तो मैं नहीं बनी, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि उसके लिए बहुत से कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल प्रोसीजर से शायद गुजरना पड़ता और कद की मुनासिबत से तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी. लेकिन कद भी बड़ा कर देते, कद भी कर दे, हड्डियाँ हड्डियाँ ये वो, बट वो तो अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ और ना ही इस तरफ कोई रुझान है मेरा. लेकिन ये एक चीज़ थी, एक फतूर था. और मैं फैसिनेटेड थी नॉट बाई द तस्वीरें एंड द वो जो आजकल के बच्चे बहुत इंप्रेस हो जाते हैं ना फेम से कि हाय सेल्फियाँ और ये और वो और लोग आके कहते हैं और ऑटोग्राफ. मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है.
सोशल मीडिया पे तो फिर कहाँ क्या मुझे था? शौक था एक्टिंग का मैं जब लोगों did you know of acting? मुझे सिर्फ जब मैं लोगों को देखती थी उनके एक्सप्रेशंस को मैं कहती थी असल में अगर ये नहीं हो रहा लेकिन ये कर रहे हैं ऐसे कि जैसे ये असल में हो रहा है और मुझे लग रहा है कि जो भी वो बात कर रहे हैं उससे मुझे रोना भी आ रहा है जब पहली दफ़ा did you want to disappear into something else? I wanted to morph into every person that I saw on screen. वो एक मूवी थी लम्हे मेरी नानो देखा करती थी उसको बार बार वो अपनी उस पर देखती थी लम्हे में श्रीदेवी का जो रोल था आई वॉन्टेड टू बी दैट वन कि वो उसने अपनी माँ का भी रोल प्ले किया फिर उसने अपनी उसका भी और जबकि वो बड़ी ट्विस्टेड सी फिल्म है कि मतलब पहले बंदे को माँ से प्यार है और उसके बाद फिर बेटी से शादी कर लेता है बट इट जस्ट फैसिनेटेड मी दैट वर्ल्ड मुझे ओल्ड स्कूल सिनेमा हॉलीवुड एंड बॉलीवुड बड़ा पसंद था आजकल का नहीं मुझे समझ आता सिनेमा My Fair Lady. So you are a romantic actually. It's very very cheap disco romantic ना मतलब कभी कभी बैठे बैठे डी ड्रीम्स हो रही होती है नाइट इन शाइनिंग आमर अभी भी आने तो क्या ख्वाब देखती थी जब छोटी थी यू नो अमिताभ बच्चन के अलावा क्या कोई नहीं नहीं वो तो मैंने उस बंदे को बनना था ना वो जो कहते ना कि आपको क्रश होता है किसी पे या आपको कोई आई डिडंट लाइक हिम आई वांटेड टू बी हिम एनी अदर पर्सन यू वांटेड टू बी देन एज टाइम अब तो खैर मेरिल स्ट्रीप बंदा बन जाए तो क्या ही मतलब उस किस्म के कैलिबर और लेवल का वो खूबसूरती और ब्यूटी वाला एलिमेंट मुझे नहीं पहली दफा कब आया काम टू बी एन एक्टर व्हाट वाज दैट मोमेंट मुझे मशल पीरजादा ने एक प्ले में कास्ट किया थिएटर थिएटर कांट यू सी और वो जब प्ले उसने ऑफर किया तो मैंने कहा ठीक है डन वो अब फोर्थ इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल हो गया है उसके अगले साल अब अभी आप कनेड में हो अभी हम कनेड पहुंच गए हैं और सन मशल हु इज आल्सो माय बेस्ट फ्रेंड माय कज़न एज वेल तो मशल ने कहा कि करना है मैंने कहा मामा से इजाज़त ले लो मैं कर लेती हूँ कहती है कि वो तो मतलब अब सब की मामा से जान निकले तो शी वेंट शी बेग्ड प्लीडेड मिन्ट बिकॉज़ आई आल्सो वेंट टू योर मदर आई वांटेड टू कास्ट यू इन द फिल्म दैट यू यस मुझे याद है एंड आई डेस्परेटली वांट टू मैं आज भी अपनी मम्मी को कहती हूँ आपने मुझे समीना खाला के साथ काम करने दिया होता तो आज कहती हूँ आज और क्या आज मैंने कहा आज मैं फिल्म स्टार हूँ मतलब यू सी हमारे यहाँ तो दो तीन फिल्में करके लोग अपने आप को स्टार बुलाना शुरू कर देते हैं तीन तो मैंने भी अच्छा कर लिया मशल के साथ अच्छा नहीं तो मशल के साथ मैं पहले मैं साथ गई मशल के फिर मैं अकेली गई फिर कस्मे वादे फिर मतलब मैं ये करूँगी अच्छा मेरा ऐसा रिजल्ट आएगा ये होगा वो होगा एक हफ्ता इंसान भी बनी फाइनली शायद ठीक है लेकिन अगर रिहर्सल बीनों के घर में होंगी यानी कि मशल के घर में एंड शी सेड अच्छा वो हो गया सब कुछ अब परफॉर्म भी कर लिया तीनों रातें मेरी माँ नहीं आई मुझे देखने और मुझे सबसे ज़्यादा शौक था कि मामा अच्छा डैडा को तो बताया ही नहीं ना अब्बू को तो मेंशन भी नहीं किया कि ये चीज़ हो रही है और क्योंकि थिएटर प्ले था तो इसलिए किसी को क्या उसका मतलब कौन सी उसकी को पब्लिसाइज होना था व्हाटएवर तो डैडा को भी नहीं बताया द होल डील वाज कि नहीं बताना आप आई मेरी बहन आई और साथ में एक टेडी बेयर भी लेके आई और एक रोज़ भी लेके आई बाद में मुझे एहसास हुआ कि ऐसे करते हैं और ये बड़ी एक वो दूसरे की हौसला अफजाई करने वाली चीज़ होती है लेके आई तो मैं तो मतलब आई वॉज बोल्ड ओवर दैट्स व्हाट आई मेंट आपा वॉज मोर द मॉम एंड सपोर्टिव वो प्ले हुआ फिर उसके बाद योर नेव्यू शेरियार अपना शेरू जो है उसने किया शेरियार कुरैशी ने अपना प्ले किया उसमें मैंने किया फिर द हेडलेस हॉर्समैन एक प्ले किया आयशा हामिद है उनके बेटे ने तो मतलब बहुत से डिफरेंट इस किस्म के थिएटर की चीज़ें आती रही उस वक्त इजाज़त भी नहीं मिलती थी किसी को करने की ऊपर से अंग्रेज़ी थिएटर था और अंग्रेजी कमर्शियल टाइप बट नॉट सो मच फिर हम स्पॉन्सर्स के पास जाते थे मिनते करते थे पैसे देते थे कोई 10,000 दे देता था कोई 5,000 दे देता था तो हम हॉल बुक करके कर लेते थे पैसे कुछ नहीं बनते थे लेकिन एक वो जो है था ना एक जो एक डिज़ायर है एक वो जो चीज़ के निकले तो उसकी वजह से मेरे कनेड के 2 साल जो है वो थोड़े सुकून से निकल गए क्योंकि हर कुछ महीने के बाद कुछ हो रहा होता था कैनेडा गई तो बैन लगा दिया खैर उधर बड़ी मेहनत करके पढ़ लिख के सारा कुछ करके बीच में आती थी तो कोई फ़ोटोशूट कर ली ये कर लिया वो कर लिया लेकिन ऐसे से किया कि मामा वो मेरे थोड़े से पॉकेट मनी बन जाते हैं तो प्लीज़ सो वट एवर तो वो चुप हो जाती थी व्हेन आई स्टार्टेड पर्सुइंग इट फुल टाइम इन कैनेडा दैट्स व्हेन उस वक्त तक माई फादर हैड पास्ड अवे उस वक्त मामा कॉल्ड मी एंड सेड कि इतना पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा अगर पढ़ लिख के यही गंद करना था तो फिर मैंने क्यों इतने पैसे ज़ाया किए That's when I turned to him and said, "Mama, आपके सारे दोस्त मीडिया से रिलेटेड हैं. Most of your close friends are from the media. ये आपको गंद क्यों लगता है? कहती है उन लोगों को जो हैं भी इस मीडिया में वो आपस में पूरी पूरी फैमिलीज एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं और मैं तुम्हारे साथ सेट्स पे नहीं जा सकती मैं तुम पे नहीं नजर रख सकती तो I was like, "Mama, I'm in Canada. Why are you worried?
वो क्या मेरे मुंह को बात आई कि एंड में तो जिथे दी खोती उत्थे आन खलोती पहुंच तो मैं फिर वापस पाकिस्तान ही गई। एक फिल्म की थी ना वहाँ पे, एक फीचर फिल्म की, कुछ प्लेज की, एक दो म्यूज़िक वीडियोस की, एक सॉफ्ट ड्रिंक की डाइट ब्रांड है उसका कमर्शियल किया, उधर एक अखबार होता है उसका कमर्शियल किया, मतलब 6-8 महीने में बहुत सा काम कर लिया और उस सारे काम के जो पैसे थे वो जमा करके अपार्टमेंट की डाउन पेमेंट दे दी। वहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे तो बंदा 20-20 साल 40-40 साल काम करता है तो 5 मरले का घर बनाता है शायद, अगर हलाल की इज्जत से रोजी रोटी कमाने की कोशिश करो तो। वो हुआ वहाँ से, फिर यहाँ आए छुट्टियों में उस सबको सेलिब्रेट करने के लिए, और कुछ फ्रेंड्स की, दो बड़े क्लोज कैनेडा के फ्रेंड्स की शादी थी, उस शादी के लिए आई, हमजा के अब्बा टकरे, छुप के निकाह कर लिया, बहुत क्यूट बनने का शौक है, एक संडे को मिली, अगले संडे को शादी कर ली और कनाडा वापस ही नहीं गई। ये कैसे हुआ, प्यार नहीं हुआ? नहीं नहीं, एक संडे को मिली, अगले संडे को, एक हफ्ते में प्यार हो गया? एक हफ्ते में कैसे होता है प्यार? नहीं, जब शक्ल बहुत अच्छी हो अगले की तो फिर हो जाता है ना। प्यार था या दीवानापन? नहीं, दीवानापन नहीं था, जो था वो तो अब हम नहीं कह सकते, लेकिन बड़ी गलत बात थी क्योंकि वो उसने मुझे कहा After 1 week, मतलब क्या वो सब कुछ हुआ जो होना होता है प्यार में, वो फुलझड़ियाँ और वो सब कुछ हुआ। He was a, मतलब 6'4" का, नीली आंखें, songs and वो जो जितना romantic cinema में, वो सारी जो cinema में तमाशे थे ना, वो सारे के सारे हो गए एक हफ्ते में। हफ्ते में मतलब, अब पाकिस्तान में कहाँ इतनी फ्रीडम होती है कि आप वो बाकी भी सब कुछ कर लें जो सिनेमा में होता है, लेकिन जितना हो पाता था, यानी कि सुबह सुबह निकल गई कोई कहानी डाल के तो हैंग आउट कर लिया, फिर किस वापस आए, फिर कोई बहाना मार के कहानी डाल के निकल पड़े, बिकॉज इवन तो मैं कनाडा में रह रही थी, यहाँ पे आके वो खुली छुट्टी नहीं थी, जबकि मैं अक्सर मामा को कहती थी कि माँ मैं वहाँ पे जब मर्जी जाऊँ जब मर्जी आऊँ, मुझे कोई नहीं पूछता। ये क्या बात है कि इतने बजे तो मतलब 12 बजे वापस पहुँचो तो ये तुम्हारी डेडलाइन और ये तुम्हारा कर्फ्यू। तो शादी कैसे कर ली? वो जाके निकाह कर लिया, कराची गई थी कुछ काम करने के लिए, वो एक हफ्ता वहाँ कराची में ही थी, शादी भी कराची में थी, मैं रहती लाहौर में हूँ, कराची में शादी हो रही है, उस दौरान मुलाकात हुई, शादी के बाद घर आई तो मेरे कज़न को मिलने के लिए आया था ये शख्स, तो मेरी उससे वहाँ मुलाकात हुई। अगले दिन सुबह उसका मुझे फ़ोन आ गया, अब मैं भी पागल उसको नंबर अपना उसी वक्त दे दिया, उसने मुझे सुबह फ़ोन कर लिया और कहा कि चलो नाश्ते पे चले। अब यू नो व्हेन यू आर लाहौरी एंड पाकिस्तानीज डू अ लॉट ऑफ, सुबह सुबह नाश्ते पे चले गए, वह हम नाश्ते पे गए तो वो क्यूट एंड ऑकवर्ड एंड ये वो, तो वो गुलाब का फूल साथ ले गया, मतलब उस किस्म की कुछ रोमांटिक 6-8-10 चीज़ें उसने की इन अ स्पैन ऑफ अ वीक, जितना हम मिल पाए। मैंने उसको लास्ट, मैंने लिटरली एक संडे को मिले, अगले संडे को मैंने कहा कि मेरी कल लाहौर की फ़्लाइट है और फिर मैं वापस जा रही हूँ कैनेडा। तो ये बहुत अच्छा वक्त गुजरा, हम मतलब वो जो टिपिकल रोमांटिक के चलो फिर हम ईमेल पे रबते में और फ़ोन पे बातें टाइप करेंगे, तो वो उसने कहा कि ये इस तरह तो नहीं हो सकता, तुम्हारी कोई उम्र तो नहीं है ना ये हरकतें करने की। तो मैंने कहा क्या मतलब? कहते तुम रुक जाओ ना। मैंने कहा मैं नहीं रुक सकती, मैं काम करती हूँ वहाँ पे, मेरे 6 ऑडिशंस लाइंड अप है, मेरी मूवी की अब मतलब 4-5 फेस्टिवल्स में लाइन अप हुई भी थी और मेरा वहाँ पे एज द मेन लीड एज द फेस ऑफ द मूवी जाना ज़रूरी था। मैंने घूम के उसने मुझे कहा कि अच्छा चलो अगर व्हाट विल मेक यू स्टे। मैंने कहा दिस व्हाट इज़ दिस रिलेशनशिप, ये तो कुछ भी नहीं है, एक हफ्ते में अब हम मतलब थोड़ा सा इंटच रहते हैं, फिर कोई बात होगी तो फिर देखेंगे। तो उसने कहा अच्छा शादी कर लेते हैं। अल्लाह की कसम मजाक में बात शुरू हुई थी, वो कुछ 4 घंटे बाद शादी हो गई। और वो जो होता है ना कि जब आप वो कूलनेस में कहते हो कि हाँ यार मैं एक पूरा बोल लाल मिर्चों का खा सकता हूँ, तो आप फिर खा जाते हो और फिर उसके बाद आप 4 दिन तक अस्पताल में पड़े होते हो। तो ये वो वाली चीज़ हुई कि मतलब मजाक में एक बात शुरू हुई और जब वो कारी साहब सामने आए तो मैं मैंने नहीं हाथ पाँव भूल गए, वो जो कहते हैं ना पंजाबी में तराह निकल गया ना, आई डोंट वांट टू डू दिस, बट ऑब्वियसली अब गट्स भी नहीं बन रहे थे। यू सी व्हेन यू डोंट नो समवन दैट्स व्हाई यू शुडंट मैरी देम, बिकॉज फिर आप अगले को कह नहीं सकते कि मैंने नहीं तुमसे शादी करनी, अब वो ईगो में और मेरी बिस्ती हो जाएगी और मेरी वो क्या मतलब यू नो ही इज गोइंग टू थिंक आई हैव नो गट्स। तो मैंने निकाह कर लिया उसके साथ। तो तुमने वो सब कुछ किया जो तुम्हारी अम्मा नहीं चाहती थी कि हो, और वो सब कुछ हुआ। अच्छा उसके बाद आप सोचे कि रात को जब फोन करके बताया, आई वांट टू नो हाउ डिड यू ब्रेक द न्यूज़? आई डिडंट ब्रेक द न्यूज़ ब्रोक मी। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा मामा एक बात बतानी है। अच्छा उन दिनों में मेरे भाई का की एंगेजमेंट प्लान हो रही थी, उसकी मंगनी थी कुछ दिनों, उसकी 2 दिन बाद मंगनी थी और उसके बाद मैंने चले जाना था वापस कैनन। अब मैं कन्फ्यूज कि मंगनी के लिए भी तो जाना है,
क्योंकि भाई अपना ही भाई है, भाड़े का तो नहीं लिया हुआ, तो वो भी करना है. तो मैंने कहा पहले बता दूँ, मैंने कहा वो मामा मैंने शादी कर ली. शी थॉट दिस वॉज अनदर वन ऑफ माई स्टूपिड जोक्स. पहले तो उनको कन्विंस किया, फिर बाद में मैंने सोचा कि मैंने क्यों कन्विंस किया, ये तो कहनी ज़रूरी नहीं थी बात. किसी बहाने से वापस कराची आ जाती फिर बता देती उनको, मैंने कौन सा वो निकाह ही किया है ना. शी सेड कौन है, क्या बैकग्राउंड है, उसके बाप का नाम क्या. मैंने कहा पता नहीं. कहती माँ का नाम क्या, मेरे को पता नहीं. क्योंकि भाई बहन है, मैंने कहा मेरे ख्याल से. कहती किससे शादी कर लिया तुमने. कुछ नहीं पता था और कर लिया. ये भी नहीं पता था कि रहता कहाँ है वो, ये भी नहीं पता था कि कहाँ रहता है. वाह. ये तो बाद में पता चला, जिस गाड़ी में था वो भी रेंट की थी. फिर कुछ नहीं, घर गई वापस. अब दो दिन, जिस दिन मेरे भाई की इंगेजमेंट थी उस दिन सुबह गई लाहौर. इंगेजमेंट हुई, घर वाले बात नहीं कर रहे, ऑब्वियसली एवरीवन इज अपसेट. बट मतलब अब भाई के होने वाले फैमिली ससुराल के सामने. Who was the one who stood by you? Who was the one? Actually, जब जिसने quietly मारा हाथ पकड़ा या smile की. Smile actually किसी ने नहीं भी की. और वो उसका reason ये था क्योंकि जब मैंने नाम बताया और थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया, तो जैसे ही लोगों को पता चला कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो वो सब बहुत ज़्यादा डर गए. क्योंकि ये एक ऐसा शख्स था जिसकी हिस्ट्री थी ऑफ बीइंग वायलेंट. ये एक ऐसा शख्स था जिसकी कराची में बहुत रेपुटेशन ख़राब थी, और उसका नाम सुन के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे. तो जब, और मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं तो रहती नहीं थी ना कराची की में, और लाहौर में भी कहाँ. मैं इतने सालों से कैनेडा में थी, तो सपोर्ट उस तरह से, इन द सेंस के मेरी कज़न सनम तासीर, अपनी मशल पीरज़ादा, मेहरबानो सेठी, अमरीन, इन लोगों ने वो जो कहते हैं ना लाड और प्यार बहुत किया. मतलब शाजिया दीदी मेरी कज़न है, उन्होंने, बट उन लोगों ने मेरी सपोर्ट की क्योंकि उनको पता था कि अब इसके साथ बड़ी बुरी होने वाली है. वो जो होता है ना कि जब आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, तो आपको पहले ही महसूस होना शुरू हो जाता है. So when people said, ये क्या किया तुमने, what did you do? मैं चुप. अब डोंट फॉरगेट आई केम फ्रॉम अ ब्रोकन होम. हाँ, मैं खुद वही तो. और जब आपके माँ बाप की तलाक हुई हो, तो द लास्ट थिंग दैट यू वॉन्ट इज कि आपकी भी तलाक हो. अब पहले तो निकाह कर ली डिटाई में, फिर शादी भी डिटाई में चलाने की कोशिश की ना. यहाँ आई हूँ वापस. डिटाई की 1.5 साल. एक्चुअली 6 महीने के बाद मैंने छोड़ दिया था. छः महीने ऑलमोस्ट हो गए. उसमें न्यूमरस टाइम्स बड़ी बुरी तरह मारा. वो वाला हाल किया जो किसी, मतलब अल्लाह माफ़ी दे, वो मतलब इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स के अब मैं कभी कोई तस्वीरें देखती हूँ ना किसी खातून की जो बैटर्ड टाइप, तो जब नीले पीले मुँह होते हैं, तो वो लिटरली उस बंदे का मुँह जो है ना, वो मॉफ करके मेरा मुँह बन जाता है. मतलब जब मैं, क्योंकि मैं हैरान हो जाती थी मार खाने के बाद. कभी गलती, एक तो शीशा देखती नहीं थी, और अगर कभी गलती से शीशा देख लेती, मतलब दोनों आंखें नीली, यहाँ से फूली हुई, यहाँ पे सारा ब्रूजिंग हुई भी, कभी कहीं से सर फटा हुआ है, कभी कुछ उठा हुआ है, सर तो कॉन्स्टेंट. But why did you take it the first time? पहली दफ़ा जब मारा ना, तो मैं जाने लगी थी, मैंने अपना सामान वगैरह उठाया और मैं जा रही थी, उसने मेरे पाँव पकड़ लिया. यू नो, एक 6 फुट 4 इंच का आदमी जब आपके पाँव पकड़ के धाड़े मार के रोता है ना, तो कहीं ना कहीं आपका दिल जो है वो पिघल जाता है. और मैं, and then back of your mind वो भी था कि घर बनाना है. कि घर बनाना है नहीं, बट उससे बढ़ के ये कि आई केप थिंकिंग इससे गलती हो गई है. और मेरे दिमाग में यह है कि मैंने भी तो कितने गलत और स्टूपिड हरकतें की हैं ज़िंदगी में. इस लेवल की तो कभी भी नहीं की थी, लेकिन क्या इंसान है गलती. अगर वो कह रहा है मेरे से गलती हुई और मुझे समझ नहीं आई और गलती हो गई. अच्छा, मुझे आज तक नहीं पता कि मुझे पहली दफ़ा मार क्यों पिटी, और मुझे आज तक नहीं पता कि मुझे आखिरी दफ़ा मार क्यों पिटी. क्योंकि वो रैंडम चीज़ों पर पिटती थी. फ्रिज खोल के उसमें से एक दूध का वो कार्टन निकाला, तो पीछे वो बब जो खाना बनाते थे शख्स, वो खड़े थे, तो उधर ही आके बालों से पकड़ के मारना शुरू कर देना. कि तुम उसके सामने झुक रही थी क्योंकि तुम उसको टर्न ऑन करना चाह रही थी. मैं तो दूध निकाल रही थी क्योंकि तुमने कहा था मुझे दूध पत्ती पीनी है. और अगर उसको कुछ खाना पीना होता था, तो वो मैंने बनाना होता था, वो कोई और नहीं बना सकता था. और फिर बनाते हुए, बना के लाती थी, तो हर बार इस तरह के कॉमेंट्स पास करना, इसमें जहर तो नहीं मिलाया हुआ, पहले खुद चखो. हम लाइक, अगर मैं इतनी पागल लूनेटिक लगती, मतलब ऑब्वियसली नफसियाती मसाइल बहुत ज़्यादा थे. आज भी जब सोचती हूँ गुस्सा बहुत आता है, लेकिन तरस भी बहुत आता है, क्योंकि ये एक ऐसा शख्स था, है, जो बीमार था, जो बीमार है और जिसका इलाज कोई नहीं करवाता. अल्लाह उसको खुश रखे, उसको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे. दैट्स ऑल आई कैन. एंड यू वर प्रेग्नेंट. अच्छा, 6 महीने जब हो गए मारे खाते हुए, पहली दफ़ा मार तो 3 हफ्ते के बाद पड़ी.
पहली मार तो 3 हफ्ते के बाद पड़ी और फिर हर 2-3 हफ्ते के बाद बहुत बुरी मार पड़ती थी और ज़बानी अब्यूज़ तो कॉन्स्टेंटली, अपनी शक्ल देखिए मनूस, हम ताजे कितने, ये हम ताजे कितने, वो मतलब कि हम बड़े खूबसूरत, हम बड़े ये, हम टॉल, हम ये, तुम गिट्टी सी, तुम चिट्टी, तुम मोटी, तुम, जबकि मैं सिंगल पसली थी उस ज़माने में, बिल्कुल तीला. तो यू नो इट वॉज वन ऑफ दोज थिंग्स, कॉन्स्टेंट अब्यूज़, बदसूरत, कोजी, मनहूस, तुम तो हो ही मनहूस. बट व्हेन यू न्यू दैट ही वाज वायलेंट, व्हाई डू वुमेन स्टे ऑन, ये मुझे आज तक समझ में नहीं. बिकॉज अगर हमारे मुल्क में इतना बड़ा स्टिग्मा ना होता तलाक का तो औरतें ना रहती. बट जब आप स्टिग्मा हटाते हो तलाक का तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे आप तलाक को प्रमोट कर रहे हो. वायलेंस सिर्फ वो औरत या लड़की बर्दाश्त करती है जिसका बहुत ज़ोर से दिल चाहता है कि उसके ऊपर डिवोर्सी का ठप्पा ना लगे. सो 6 मंथ्स, आई वॉज 6 मंथ्स प्रेगनेंट, सॉरी 6 महीने हो गए थे हमें एक दूसरे के साथ. अब 6 महीने हो गए, मारें खाली कुटिया, सारा कुछ हो गया. अब फैसला ये किया कि नहीं रहना. बिकॉज देन व्हेन ही हिट मी अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने में मेरी बस हो गई. मैंने कहा बस. बिकॉज मुझे हर बार कहता कि देखना तुम्हें हर कोई डिवोर्स्ड बिच बुलाएगा. अब यू नो ये अल्फाज बड़े मुश्किल होते हैं लोगों के लिए हज़म करने, बट मुझे तो बुलाया जाता था ऑन अ डेली बेसिस. और मुझे वो कंपेयर करता था, कहता था इस तरह तेरी माँ की तलाक हुई है, तेरी भी तलाक होगी और तो लोग तुझे धुतका. अच्छा यू नो आप जब किसी, और दूसरी बात मुझे आइसोलेट कर दिया था. आए दिन मेरा मोबाइल तोड़ देता था, सिम कार्ड देता था, अजीब अजीब हरकतें करता था कि मेरा लोगों से रबता ना रहे. लेकिन आई वॉज ऑल्सो वर्किंग एंड सपोर्टिंग द हाउस होल्ड फाइनेंशियली, सो वो भी साथ साथ एक चीज़ चल रही थी. एक्टिंग वगैरह, होस्टिंग, मॉडलिंग कराची में थी, थोड़ा बहुत वहाँ पर काम कर रही थी. अच्छा अब 6 महीने हो गए मैं छोड़ के चली गई, मैं लाहौर जाने लगी थी. मैं उसको, उसके घर को बड़ी बुरी तरह मारा. मेरा कज़न शान जो है सनम का बड़ा भाई, ही सेंट गार्ड्स वगैरह और मुझे वहाँ से लिटरली एक्सट्रैक्ट किया गया. वो भी एक मिशन थी, मैं दरवाज़ा ही ना खोले. फिर जब दरवाज़ा खोला तो मैं बाथरूम में लॉक में डर के मारे खोलूँ ना. फिर जब उन्होंने 2-3 दफ़ा लोगों ने कहा, क्योंकि बात यह कि इस किस्म के लोग मारते सिर्फ उसको हैं जो उनसे फिज़िकली कमज़ोर होते हैं और मारते सिर्फ उसको हैं जो उनको वापस नहीं मार सकते. जब 4-5 बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड टाइप आएंगे तो फिर तो अगला चुप ही कर जाता है ना, कि उसको पता कि अब उसको वापस पड़ जानी है. सो मुझे उठा के वो जब ले गए, अब मैं वहाँ पे बैठी हूँ तो किरण एंड जॉर्ज, एक जॉर्ज का पाकिस्तान और किरण, वो फिर मॉर्निंग शो भी करते थे, तो जॉर्ज एंड किरण केम ओवर, मेरी बहन के बड़े क्लोज फ्रेंड्स. तो किरण केम एंड सेड कि जुगन चलो शुक्र करो एटलीस्ट देयर इज नो बच्चा और बेबी और व्हाटएवर, वरना तुम सोचो कि अगर बच्चा भी होता तो सारी ज़िंदगी तुमने इस साइको के साथ स्टक हो जाना था. मुझे एकदम से ख्याल आया कि 1 मिनट मे बी आई एम प्रेगनेंट. खैर वो प्रेगनेंसी का चेक चुक किया, ये वो होम टेस्ट किया तो कन्फर्म हो गया प्रेगनेंट है. मैंने कहा चलो नहीं गलत भी हो सकता है. 4-5 किए ना टेस्ट, सारे पॉजिटिव. अगले दिन जाके ब्लड टेस्ट कराया तो मतलब 6-7 वीक्स की प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है. अब सारे कहें कि अब क्या करना तुमने. मुझे ये डर था कि कहीं घर वाले ये ना कहें कि डोंट हैव दिस बेबी या छोड़ के चली जाओ, यू नो पाकिस्तान से बाहर जाके पैदा कर लो ताकि इस बंदे के तुम करीब ना. अब मुझे ये डर कि मैं अगर चली जाती हूँ तो मेरे साथ होगा क्या. फिर उस बंदे को मैंने कांटेक्ट करके कहा कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेबी बट मैं वापस नहीं आ रही हूँ और ये बच्चा मैं इंडिपेंडेंटली पैदा करूँगी, तुमने जब आना होगा मिलने. अभी इस वक्त लॉजिकली सोचा नहीं है कि क्या करना क्या. कहता तुम ये बच्चा पैदा करो, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहूँगा कि मैंने तुम्हें इसलिए घर से निकाला है क्योंकि ये बच्चा है ही नहीं मेरा. कोई इतना भी गिर सकता. तो मैंने कहा अब मैं किस दीवार में जाके सिर मारूं. सो देन आई एंडेड अप गोइंग बैक बिकॉज घर पे तो मुझे सिचुएशन वो वाली लग रही थी कि इसको छोड़ो और तलाक दो. मैंने कहा इसने अगर इस किस्म की, मैं मीडिया में थोड़ा बहुत अभी काम कर रही थी लेकिन लोग रिकग्नाइज करना शुरू हो गए थे. मैंने कहा अगर इसने ये बात कह दी तो मेरे तो बच्चे की, अगर मेरी बेटी हुई या बेटा हुआ तो सारी ज़िंदगी के लिए उनके माथे पर एक ऐसा वर्ड का स्टिग्मा लग जाएगा कि मैं क्या करूँगी. खैर मैं वापस गई, मैंने यही सोचा कि चलो जाती हूँ, लेट्स ट्राई एंड मेक द मैरिज वर्क. आई एम प्रेगनेंट नाउ, क्या होगा. पूरी प्रेगनेंसी मार मार के लिटरली कुत्ता किया मुझे. उसके बाद बच्चा पैदा किया, वो बच्चा पैदा करने की भी कहानी एक हॉरर स्टोरी है और वो इतनी हॉरिफिक है कि वो किसी को बताई भी नहीं जा सकती. मतलब ये मतलब बड़ी ग्राफिक और बड़ी ऑफुल है लेकिन बड़े ही मतलब. रात के 10 बजे काम से वापस आई, सुबह 2 बजे आई वेंट इनटू लेबर, अस्पताल ना लेके जाए. फिर अस्पताल लेके गया तो मेरी प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरा वाटर नहीं ब्रेक हुआ था, आई स्टार्टेड ब्लीडिंग और ये बड़ी डेंजरस चीज़ होती है.
कभी एक अस्पताल गए हम जियाउद्दीन, वहाँ पे पैसे नहीं थे। 23 मार्च को हमजा पैदा हुए तो 23 मार्च को बैंक बंद थे और जो पैसे मैंने घर में रखे हुए थे दराज में वो इस्तेमाल कर चुका था अपने वट एवर एक्टिविटी के लिए, तो वो पैसे भी नहीं थे। अस्पताल वालों ने कहा पैसे दे वरना दाखिल नहीं करेंगे। फिर मैं गई लियाकत नेशनल, वहाँ से भी मोड़ दिया। फिर आगा खान गई, उन्होंने कहा विदाउट मनी हम रख तो लेंगे लेकिन हमारे पास बेबीज़ के लिए वेंटिलेटर नहीं है, बेबी वेंटिलेटर। मुझे सारी बातें ऐसे याद है कि जैसे कल हुई है। फिर वापस जियाउद्दीन आए क्योंकि मेरी खाला ने वहाँ पे पैसे भिजवा दिए थे विदाउट हिम नोइंग, क्योंकि मुझे बाद में किसी से मिलने और बात करने की इजाज़त नहीं थी। आपको 6 घंटे हो गए और कपड़े भरे हुए खून से, और आप एक तो दर्द और अजियत तो अपनी जगह, आप ह्यूमिलिएशन सोचें कि कितना को बंदा ह्यूमिलिएट हुआ होगा उस वक्त कि आप इस हालत में घूम रहे हैं। It was your family, it was your mother. अगर वो मेरे करीब आते तो उसने मेरा गला घोट देना था और उसने उनको भी मारना शुरू कर देना था। आपको पता है जब आप किसी को टोटली साइकोलॉजिकली कंट्रोल कर लेते हैं ना, और घर वाले भी तो तंग आ गए ना, 6 दफ़ा छोड़ा 6 दफ़ा वापस चली गई, गलती कुछ इसमें मेरी भी तो थी ना, आना जाना 6 मंथ्स प्रेगनेंट भी छोड़ के गई, खाला के घर गई बेचारी मेरी खाला। आई मीन आई फील सो बैड फॉर चुनियाला बिकॉज रिहाना सहगल बिकॉज वो और माई खालू शकील सहगल, मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया 6 मंथ पे। उन्होंने कहा बच्चे जस्ट अपना नहीं तो बच्चे का तो सोचो, और मुझे मतलब 4-5 दिन ठीक किया, बूथा शूथा रिकवर शिकवर, हालत ख़राब, 2 रिब्स मेरी, हेयरलाइन फ्रैक्चर, मतलब वो वाला हाल। और प्रेगनेंसी में अगर रिब्स फ्रैक्चर हो जाए तो जान निकलती क्योंकि बच्चा हिलता है, जब बच्चा हिलता है लगता है किसी ने आपकी आपकी साइडों में सीखें घुसाई हुई। ये हुआ सो व्हाट एंड अप हैपनिंग वाज के खैर मतलब अब फिज़िकल हालत अजीब सी हुई भी, घर वाले बेचारे इतना ज़्यादा एक एफर्ट कर चुके थे और आउट ऑफ द वे जा चुके थे मुझे संभालने के लिए। अब देखिए ना कि जब मैंने जब मैं गई हूँ अल्टीमेटली टू जियाउद्दीन हॉस्पिटल, बच्चा वापस मतलब पूरा घूम घुमा के 6 अस्पतालों के चक्कर लगाए, 3 अस्पतालों के चक्कर लगाए, वापस आई तो इसी बेस पे वापस आई ना कि मेरी खाला ने पैसे भिजवा दिए थे और कर दिया था। एंड डोंट फॉरगेट ये वो मेरी खाला है जो मेरी जियाउद्दीन जियाउद्दीन हॉस्पिटल वहाँ पे मेरी गायनेकोलॉजिस्ट थी। एंड यहाँ आई विल कमेंट ऑन डॉक्टर रुबीना जो वहाँ पे हेड हैं गायनी एंड स्टाफ, आई मीन गॉड ब्लेस हर। उनको जब पता चला कि मैं वहाँ आई हूँ और मैं चली गई हूँ तो उन्होंने मेरी खाला को फ़ोन किया और कहा कि रेहाना शी इज़ गॉन इन टू लेबर एंड शी इज़ अपेरेंटली ब्लीडिंग एंड हर हस्बैंड इज़ नॉट ब्रिंगिंग हर, वो उसको ले के नहीं आ रहा है यहाँ पे और पैसे नहीं हैं उसके पास और मैं पे करने लगी हूँ, बट मैं तुम्हें वैसे बता रही हूँ। उन्होंने सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए मेरी खाला को बताया था, पैसे वो खुद देने लगी थी। कौन गायनेकोलॉजिस्ट खुद पैसे देती है? उन्होंने खुद पैसे दिए तो मेरी खाला ने फिर भिजवा दी और उन्होंने कहा आपको ज़रूरत नहीं लेकिन संभालो वट एवर। बट आई मीन अगर उस लेडी ने ना फ़ोन किया होता पता नहीं हमजा होता भी कि ना होता, पता नहीं मैं होती कि ना होती, हालात इतने अजीब और कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे। वो उस वक्त इतना ज़्यादा केस ख़राब हो गया था कि फिर उनको इमरजेंसी में सिजेरियन करना पड़ा। सिजेरियन भी मेरे जागे हुए ही हुआ बिकॉज उस वक्त ना कुछ दे पा रहे थे ना कुछ, बच्चा डिस्ट्रेस में था, बच्चा डिलीवर किया, बच्चा डिलीवर करने के कुछ 15 मिनट बाद जब वो कमरे में आया, जब मेरी आँख खुली है तो मुक्का बना के मेरे सिर के ऊपर खड़ा हुआ और मुक्का मारने लगा तो वो शुक्र है डॉक्टर अंदर आ गई। मुक्का क्यों मारने लगा कि तुमने इतना ड्रामा क्यों डाला, तमाशा क्यों कर रही थी? बच्चा पैदा कर रही थी तमाशा तो नहीं कर रही थी। ये हुआ फिर मुझे अस्पताल में छोड़ के 10 दिन के लिए गायब हो गया। He was gone for 1 week. ना मुझे कोई मिलने आ सकता था और बाहर उसने कोई अजीब सा कोई एक गार्ड बिठाया हुआ, गार्ड टाइप नमूना वियर ड्रगी टाइप बिठाया हुआ था और वो नज़र रखता था कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, छुप छुपा के एक दो लोग आए मिलने के लिए मुझे, अम्मी आ गई। अस्पताल से फिर जब मैंने निकलने की कोशिश मैंने जब मतलब अब आपको पता ना सिजेरियन के बाद 3-4 दिन के बाद तो 7 दिन तक मेरी खाला पैसे देती रहीं और 7वें दिन फिर फाइनली वो आई और उन्होंने कहा कैन वी गो होम, वो बंदा आगे से तमाशे करे ये वो। मेरी खाला ने कहा दफा हो तुम साइड पे और मुझे उठा के अपने घर ले गई। 3 मिनट के अंदर अंदर मेरे पहुंचने के वो बंदा पहुंच गया वहाँ पे, माय एक्स हस्बैंड, कहता बच्चा दो मेरा। मैंने क्या मतलब, खैर मैं इडियट्स की तरह उठ के चली गई वापस कि शायद अब बच्चा हो गया चीज़ें चेंज हो जाएंगी। खैर 2 महीने तक मैं रही, उस दौरान उसने मुझे मारा भी 2-3 दफ़ा, इतनी बुरी तरह मारा कि मुझे एक्चुअली लगा कि मेरे स्टिचेस खुल जाएंगे। जब उसने फाइनली मेरे बच्चे को थ्रेटन किया ना तो तब मेरी दिमाग की सारी बत्तियां जो है ना वो ऑन हो गई। एंड दैट्स व्हेन माय मदर वाज ने मुझे छुप के कॉल किया, एक बार रो रही थी फ़ोन पे, तो उन्होंने कहा क्या क्या करना है तुमने,
मैंने कहा मम्मा अगर आप मुझे आके ले लेती हैं तो मैं अब घर जाने के लिए तैयार हूँ। शी सेड बच्चे तुमने बड़ी दफ़ा ये किया है। मैंने कहा आई स्वेयर टू यू आई एम डेड सीरियस, ये मेरे बच्चे को कुछ कर देगा। उस पर मम्मा की भी जान निकल गई ऑब्वियसली। और मम्मा अक्सर, मुझे बाद में पता चला कि अक्सर ज़ारो कतार रोती थी अपनी फ्रेंड्स के सामने और कहती थी मुझे लगता है कि मुझे हॉल उठते हैं कि मैं किसी दिन उठूँगी या मुझे फ़ोन आएगा किसी का और मुझे पता चलेगा कि आएँ ज़रा अस्पताल में आके पहचान लें कि ये आपकी बेटी है डेड बॉडी को। आप और मैं खुद एक माँ हूँ तो अब मैं सोचती हूँ कि एक माँ पे क्या गुजरती होगी उस वक्त। उसके बाद आई केम बैक टू लाहौर एंड आई पिक्ड अप द पीसेज ऑफ माई लाइफ एंड वो सारा कुछ। लोग कहते ना मैं इतनी अपने बेटे हमजा से क्यों ऑब्सेस्ड हूँ, मुझे बचाया ही मेरे बच्चे ने। अल्लाह ताला खुद तो नहीं ज़मीन पर आते ना, कोई वसीला ही बनाते हैं। इट मेड मी वेरी स्केर्ड एंड वेरी एंग्री। एंग्री एंग्री इन द सेंस के वो जो होता है ना एक एटीट्यूड के अब मैं दिखाती हूँ, विच इज़ वाई मेरे अंदर एक सर्टन अग्रेशन और एक सर्टन एटीट्यूड आ गया। कोई इंडस्ट्री में फ्लर्ट करता था या ओवर होता था मैं ऐसा उसका हाल करती थी। इसीलिए तो मेरी मीडिया इंडस्ट्री में जनरली थोड़ी चुड़ैलों वाली, लड़कों में द वुमेन लव मी एंड मेरी सब खवातीन के साथ बहुत अच्छी बनती है और सब मेरी दोस्त हैं, बट मर्दों के साथ थोड़ा सा मेरा, जब तक मेरी बहुत क्लोज, जिस तरह एहसन खान है ही इज़ लाइक माई फैमिली, नुमान एजाज़ इज़ लाइक माई फैमिली, बट दीज आर नॉट द डर्टी स्लीजी टाइप मैन ऑफ द इंडस्ट्री ना। बट जब कभी किसी ने मेरे साथ फिर इस तरह फ्री होने की कोशिश की फिर मैंने उनको सही उनकी तबीयत साफ की। मैंने कहा करो फिर जो करना है। नॉट टू से कि मतलब ज़िंदगी में फिर कभी कोई पसंद नहीं आया या कभी कोई अच्छा नहीं लगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आई मीन फैसला से मेरी पसंद की शादी है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाते हो। कोई इंसान ज़रा सी ऊंची आवाज़ में बात करता है तो आप एकदम से डर जाते हो। यू नो आज हमजा के साथ कैसा रिलेशनशिप? वही तो बात है, जब कोई इंसान आपको बचा लेता है अपने आप से तो फिर वो आपका सब कुछ बन जाता है ना। तो वो फिर हर चीज़ हमजा के गिर्द घूमती थी। उस ऑब्सेशन मोहब्बत का, प्यार का, चाहत का विद हमजा, फैसल कैसे आया? बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ वुमन दैट इफ शी सो प्रोटेक्टिव ऑफ वन मैन, इतना वो प्यार करे और वो उस ऑब्सेशन की हद तक, और उसमें फिर बीच में कोई और भी आए। अच्छा नहीं, मेरी हमेशा एक बड़ी क्लैरिटी एक थी एक बात पे कि मैं माँ हूँ और मैं अपनी औलाद से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ। एक दिन इसने पढ़ना है, लिखना है, बाहर चले जाना है, मतलब 100 चीज़ें करनी हैं, तो ज़िंदगी में कंपेनियन भी ज़रूरी होता है। और दुनिया में हर मर्द जानवर नहीं होता। मेरा एक भाई भी है जो बहुत ही आला इंसान है, जित हु आई लुक अप टू एंड एडमायर। आई मीन आई हैव सो मेनी वंडरफुल अमेजिंग मैन इन माई लाइफ इफ आई लुक अप टू दैम। चांद मामू हैं, पीरू चाचा हैं, उस्मान पीरज़ादा, आई मीन दीज आर लाइक माई फादर फिगर्स दैट आई लुक अप टू। मैं हर रोज़ नहीं मिलती, बड़ी रैली मुलाकात होती, लेकिन मुझे पता है कि ये हैं। तो ऐसे बाप और ऐसे भाई भी तो हैं ना मेरी ज़िंदगी में। तो ये तो नहीं है कि हर आदमी ऐसा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं, ये भी पता चल गया ज़िंदगी में। हील कैसे किया आपने आपको इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस? अभी भी हील कर रही हूँ। ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। वो 1.5 साल जो है वो कम से कम ज़िंदगी के 25-30 सालों का तो बेड़ा गर्क करके जाता है। और आज भी जब सोचती हूँ तो यही सोचती हूँ कि चॉइस तो मेरी अपनी थी, इल्ज़ाम तो आप किसी पे नहीं लगा सकते। वापस तो खुद ही जाती थी हर बार, जो मेरे साथ हुआ वो फेयर नहीं था। और चाहे आप किस भी कैसे भी इंसान हो, किसी इंसान के पास ये हक नहीं है कि वो दूसरे इंसान पे हाथ उठाए। लेकिन इस बात के बारे में बहुत दफ़ा सोचा और रिफ्लेक्ट किया कि मेरे अपने दिमाग में क्या प्रॉब्लम है जो 1.5 साल मैंने बर्दाश्त कर लिया और भुगत लिया। और यही रियलाइज़ किया कि एहसास कमतरी का शिकार हूँ, लो सेल्फ इस्टीम की प्रॉब्लम है। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था मैं ये डिज़र्व करती हूँ। होता है, इंसान अपने आप को जस्टिफाई करना शुरू हो जाता है। Violence के अंदर है, आप भूल रही हैं जो अभी हमने शुरू में बात की कि ये जो हर बार कोई मजाक उड़ाने से पहले अपना मजाक उड़ा लेना, इससे पहले कि कोई मुझे ब्लेम करे मैं अपने आप को ही ब्लेम कर लेती थी। एक पर्सनालिटी टाइप भी तो होती है ना, और मैंने तो नफ्सियात पढ़ी भी थी, तो मेरे जैसे बंदे का नॉट। इसीलिए तो अब जब इंटरव्यूज़ करती हूँ, लोगों से मुलाकात करती हूँ, डिफरेंट मेरा जो चीज़ें हैं, मसरूफियात हैं ज़िंदगी में, उन सब में मैं एक चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखती हूँ कि मैं किसी की सेल्फ़ इस्टीम को और सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हर्ट ना करूँ। मुझे लोग कहते हैं तुम मॉर्निंग शोज़ में इतनी ज़्यादा मतलब तुम चटपटी और वो जो होता है ना कि लोगों की वो, मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि आई डोंट नो समीना खाला, किसी को बुला के अपने घर कौन बेइज्जत करता है? अगर कोई अपनी बात खुद बताना चाहे, जैसे कि मैं आपको अपनी मर्ज़ी से अभी ये बातें बता रही हूँ,
और मैं सोच के आई थी कि मैं आज समीना खाला को सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि सच्ची बात है वन ऑन वन तो मौका ही नहीं मिलता कभी, क्योंकि हर वक्त इतने लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं। और आपने एक दो दफ़ा पूछा भी मुझसे कि हुआ क्या था, तो मैं आपको थोड़ा सा टिप ऑफ द आइसबर्ग। यू लुक बैक, जब देखती हो अपनी ज़िंदगी में, अगर जो लोग सुन रहे हैं, व्हेन इज़ द टाइम टू से नो टू वायलेंस, जब पहली दफ़ा होता है ना जब, और बाय द वे वायलेंस सिर्फ आपको नजर नहीं, सिर्फ आप फिजिकली नहीं उसको हैंडल करते, भी होता आपको जबानी इमोशनली एंड स्पिरिचुअली भी आपकी रूह को भी वायलेट किया जा सकता है। और जो इंसान हाँ। अपनी माँ की और अपनी बहन की इज्जत नहीं कर सकता ना, वो कभी भी किसी औरत की इज्जत नहीं कर सकता। यू हैव टू रिस्पेक्ट, जो जिस मर्द में अपनी माँ और अपने बहन और अपने भाभियों और अपने इर्द गिर्द की खवातीन के लिए रिस्पेक्ट ना हो। ये तो बात शुरू में ही पहले हफ्ते में मैंने रियलाइज़ की थी कि वो बड़ी स्टेटमेंट्स बात करता था खवातीन के बारे में, कि औरतें कैसी होती हैं और उसका एक्सपीरियंस औरतों के साथ कैसा रहा है, और खवातीन बाय नेचर मतलब ऐसी होती है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ना, यू शुड टेक टाइम, समझो दूसरे शख्स को जिसके साथ फिर आगे पूरी ज़िंदगी बितानी है, बच्चे बनाने हैं, घर बनाना है। घर कैसा चाहिए तुम्हें, कैसा घर होना चाहिए जुगन का, जिसमें बहुत मोहब्बत प्यार रौनक हो, जिसमें हर घर का फर्द, चाहे वो घर में काम करने वाला शख्स हो या फिर हमज़ा हसन फैसल जुगन या कोई और जो बच्चे कभी हों, कोई मेहमान आए तो हर बंदा हंसे मुस्कुराए और खुश हो। कैसे से कैसे मिली, कैसे प्यार हुआ? मेरी बेस्ट फ्रेंड सनम, हर जगह सनम और मशल की कहीं ना कहीं कमेटी डली हुई है मेरी ज़िंदगी में, मैं यही कहती हूँ सारी कमेटियाँ तुम लोगों की डली हुई हैं। सनम ने मुझे एक दफ़ा कहा कि मैंने तुम्हारी मुलाकात करानी है किसी से, ही इज़ सिंगल, मतलब ही इज़ ऑल्सो डिवोर्स्ड और उसके पहले से दो बच्चे हैं और तुम भी डिवोर्स्ड हो, तुम्हारा बच्चा तो हो सकता है कि तुम्हारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। मैं कहा मेरी बात सुन बीबी, मुझे डिवोर्सी बच्चे ये वो क्यों तुम मुझे। खैर उसने कहा, मैंने उसकी बात इग्नोर करी। उसके घर एक दिन डिनर था, मिक्स्ड गैदरिंग थी, मैं वहाँ गई, वहाँ पे ये भाई साहब थे, इन्होंने कहा कि अस्सलाम, उस किसी ने इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने कहा जी ये फैसल नकवी हैं, ये लॉयर हैं, ये प्रिंसटन, ये लिए पता नहीं क्या, तो कहते हेलो आई एम फैसल नकवी, मैंने कहा हेलो आई एम जुगन काजिम आई एम मिरासी एंड आई वॉक्ड अवे। अब शक्ल देख रहे कि ये क्या था। अच्छा उस बेचारे को ये नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि मुझे पहले भी किसी ने उसकी बड़ी तारीफ करके मिलाने की कोशिश की और मुझे अब एक वट चढ़ा हुआ है कि मैंने नहीं मिलना इसको। अच्छा खैर ये मुलाकात हुई, उसने इमीडिएटली सनम को कहा कि ये बड़ी कोई अजीब सा नमूना है, तुम क्यों मुझे इससे मिलने को कह रही थी। शी लाइक नहीं वो बड़ी स्वीट है, वो ऐसी नहीं है, वो बड़ी लविंग है। तुम कहते लविंग, पड़ी गई, मैंने तो उसको सिर्फ कहा आया हूं फैसल नकवी। वो जो साथ लड़की खड़ी थी फरियाल, उसने बड़ी उसकी तारीफ की ना, वो भी सारे चाह रहे थे ना कि ये लोग मिल लें दोनों। ने लिफ्ट ही नहीं कराई ना उसने लिफ्ट कराई, वो भी बड़ा इरिटेट हो गया कि क्या बदतमीज़ सी व्हाटएवर, वो बड़ा इंग्लिश सा है ना सूटेड बूटेड टाइप, और मैं एक्स्ट्रा जंगली होने की कोशिश। उसके बाद फिर कोई एक केस, एक मैं कोई डील करने जा रही थी, एक कोई ब्रांड लाना चाह रही थी, उसकी जो लीगल काउंसिल थी वो फैसल था, तो मुझे उधर ऑफिस जाना पड़ा मीटिंग के लिए। तो वहाँ पर मैं पहुँची मीटिंग के लिए, तो बातचीत हुई ये वो, तो एंड में ना काफ़ी, क्योंकि वो काम की बात थी तो मैं बड़ी नॉर्मल सी थी, और हम एंड में थोड़ा सा मजाक वगैरह भी किया, हंसी वगैरह। उसने कहा आप चाय कॉफ़ी, मैंने कहा जी मैं नहीं कॉफ़ी पीती, आई एम ऑन अ डाइट, ये वो, तो खैर बातचीत हुई तो मैं निकल गई वहाँ से। उसने उसी वक्त फ़ोन किया सनम को और कहा कि यार ये तो बहुत अच्छी है, ये इतनी बुरी नहीं है जितनी मैंने सोचा था, तो अब उसको अगर मैं खाने के लिए इन्वाइट करना चाहूँ तो। सनम ने कहा अच्छा मैं इन्वाइट करती हूँ। उसने कहा तो मुझे खाने पर सनम ने बुलाया फैसल के साथ जाने के लिए, फिर हम खाने पे गए, हमने खाना खाया, हमने गप लगाई। वापसी पे जब आ रहे थे तो मैंने वैसे ही कहा कि आपकी एज क्या है, तो जब अपनी उम्र बताई तो मैं चलती हुई गाड़ी में से छलांग मारने की कोशिश की, मैंने कहा तो बहुत बुढ़े हैं ये, तो इसके साथ नहीं बैठना गाड़ी में। उस पर मैंने पिटना डाल दिया, तो उसके बाद वो बेचारा हैरान, क्योंकि मेरी भी तो इम्पल्सिव पागलों वाली हरकत है ना, मैंने कहा यू आर वेरी ओल्ड प्लीज़ ड्रॉप मी होम। फिर खैर इसी तरह हमारी बातचीत शुरू हुई, थरो जेंटलमैन। विद इन वन वीक उसने घर वालों से मिला लिया, मैंने कहा ये हफ्ता मुझे बड़ा भारी पड़ता है, लेकिन खैर 6 months वी गॉट टू नो इट अदर। मैंने जब रियलाइज़ किया कि ही इज़ अ नाइस मैन मेरे साथ, फिर मैंने हमज़ा से इंट्रोड्यूस कराया। हमज़ा की एक्सेप्टेबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी था कि क्या हमज़ा कबूल करेगा, क्योंकि मैंने पहले दिन से एक बात की कि देखें
आपके बच्चे आपकी एक्स वाइफ के साथ रहते हैं, लेकिन मेरे मुझसे शादी करने का मतलब है कि जुगन और हमजा से शादी हो रही है, अगर ये चीज़ एक्सेप्टेबल है तो ठीक है। उसकी ज़िंदगी में कोई बाप नहीं है, ही इज़ नेवर मेट हिज फादर। 2 महीने का था तब उसने आखिरी अपने बाप को देखा था, तो इस वजह से ही हैज़ नथिंग, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा सिक्योर, कम्फर्टेबल और अच्छे अंदाज में बड़ा हुआ है। हमजा इज़ अ कॉन्फिडेंट यंग पर्सन, ही इज़ बबली, ही इज़ फनी, अपनी यूट्यूब चैनल भी कभी कभी ऑन कर, मतलब दैट किड हैज, अगर वो उसी तरह बड़ा होता जिस तरह मैं बिखरे हुए अंदाज में बड़ी हुई, तो फिर उसके भी बहुत से ऐसे सिचुएशंस आ जाती। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा मेरे बच्चे के लिए इस वक्त मुझे अपने लिए एक कंपेनियन से ज़्यादा अपने बच्चे के लिए बाप चाहिए। मैंने बड़ी सीधी बात की, क्योंकि ये बातें हम सब सोचते हैं, हम कहते नहीं हैं, क्योंकि ये कहने वाली बात नहीं होती, बड़ी इनअप्रोप्रिएट होती है, गलत इंप्रेशन पड़ जाती है। आई डोंट केयर, मुझे शोहर से ज़्यादा बढ़ के अपने बच्चे के लिए अच्छा बाप और अपने बच्चे के अच्छे बाप के होने के साथ साथ एक अच्छा शोहर चाहिए था। इट वॉज़ द वन एंड द सेम थिंग। फैसल की जब हमजा से मुलाकात हुई, पहले दिन से ही फैसल की और हमजा की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई, मगर फैसल ने भी वो नहीं किया ना जो बहुत लोग करते हैं, गोदियों में बिठाना, मुँह चाटना, ड्रामे। आई एम नॉट स्टूपिड, बड़े लोग मेरे करीब होने की कोशिश की इस टाइम पीरियड में, मेरे बच्चे का पूछ पूछ के उससे लाड़ियाँ करके। आई एम नॉट सिली आइदर, ये ट्रिक हर बंदा ट्राई करता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमजा ने जब फैसल को 100% एक्सेप्ट कर लिया, विच वॉज इन अबाउट 4-5 मंथ्स, और मैंने देखा कि फैसल अपने बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छा बाप है। ये भी तो है ना कि अपने बच्चों के साथ कैसा है, अगर अपने बच्चों को खर्चा नहीं देता, उनसे प्यार नहीं करता, उनको रिस्पेक्ट नहीं देता, उनकी माँ की इज्जत नहीं करता, तो फिर तो ये मेरे लिए भी ठीक बंदा नहीं है ना, फिर वही वाले ड्रामे। और मैंने देखा कि उसका अपनी बहनों की तरफ, माशाल्लाह 3 बहनें हैं, सिस्टर इन लॉज हैं, मदर इज़ देयर, तो इसका जो अपनी मम्मी और बाकी सब की तरफ एटीट्यूड था, वो सब देखने के बाद फैसल से प्यार बहुत करती हूँ, लेकिन डिसीजन मेरा प्यार के साथ प्रैक्टिकल भी था, क्योंकि वो पागलों वाला करके देख लिया ना, उसने भी करके देख लिया, दोनों को क्या मिला एट द एंड ऑफ द डे। सो सोच समझ के एक डिसीजन लिया, इतनी कोई ख़ास रोमांटिक स्टोरी नहीं थी, लेकिन इट्स लेड टू अ वेरी पीसफुल, सुकून वाला एटमोसफेयर, जहाँ पे यू नो फैसल को मिलने के बाद आई लॉस्ट लाइक 30 पाउंड्स। मैं इतनी मोटी और अनकम्फर्टेबल हो गई थी, और हमजा के बाद जो वेट चढ़ा था वो उतारा भी नहीं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। मैं फोकस्ड हो गई, मैंने अपना वज़न कम किया, मैंने अपने करियर पे तवज्जो दी, बहुत मेजर मेजर चीज़ें अपनी लाइफ में की। अब एक किताब भी मेरी लॉन्च होने वाली है, मतलब वो पहले निकाली, फिर उसको हमने रिवैम्प करके उसको निकाले मॉम मैटर्स के नाम से, यू नो अपनी क्लोदिंग लाइन, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी कर लीं जो अब उस वक्त शायद कर ही ना पाती, क्योंकि समझ नहीं आ रही। जगन मुतमईन थी ना, सिक्योर थी। Makes a difference when a woman is secure and loved and respected. Most important चीज़ जो है वो इज्जत। अगर आपको इज्जत मिल रही हो तो आई थिंक आप बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। घर में इंटरेस्ट लेती हो, खाना बनाती हो? खाना भी बनाती हूँ, हसन की भी पैम्पर को चेंज करती हूँ, हमजा की कपड़ों को खरीदती भी हूँ और उसकी चीज़ें। तो ये इतना सारा कुछ कैसे मैनेज करती हो? आपने भी तो किया ना। करना पड़ता है, जगलिंग एक्ट। जगलिंग एक्ट जो है, रिमोट कंट्रोल पे घर चलाना। मेरे लिए वक्त मिलता है? नहीं, लेकिन मुझे अपने लिए इतना वक्त चाहिए भी नहीं होता, क्योंकि हमजा के साथ वक्त मुझे अपना ही वक्त लगता है, हसन के साथ वक्त अपना ही लगता है, फैसल के साथ अपना ही लगता है, क्योंकि ये चीज़ें मैं इन्जॉय करती हूँ। तो जब आप उन चीज़ों को इन्जॉय करते हो तो अपना सा ही वक्त लगता है। ये मी टाइम जब बहुत ज़ोर का आया होता है तो वो हो जाता है, जब कभी बहुत कुछ हो रहा हो, दिमाग शॉर्ट सर्किट कर रहा हो या वट एवर, एंड बिकॉज मेरा मियाँ उस किस्म का नहीं कि किधर जा रही हो, क्या कर रही हो, कब कर रही हो, तो अगर मैं उठ के चली भी जाऊँ और किसी कॉफ़ी शॉप में कोने में बैठ के मुंह दूसरी तरफ करके कॉफ़ी का मग पी लूँ और आधा घंटा ना किसी का फ़ोन अटेंड करूँ, तो इट्स ओके। कोई आर यू वेरी पर्टिकुलर कि घर किस तरह रखना है? हर चीज़ करीने से है? कोई 3-4 साल पहले तूफान है? नहीं, हर चीज़ अपनी जगह पर होती है। और मतलब वेस्टर्न कपड़ों की एक अलमारी है, ईस्टर्न कपड़ों की 6-7 अलमारियाँ हैं, जूतों की मतलब जो वेस्टर्न कपड़ों के साथ के जूते हैं वो अलग, ईस्टर्न के मतलब कलर कोऑर्डिनेशन के साथ, टैंक टॉप्स हैं तो काले टैंक टॉप्स की ढेरी, सफ़ेद टैंक टॉप, मतलब कुछ ओसीडी कलर। किचन इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि हमारे कुक जो हैं इकबाल भाई, वो शायद किसी तूफान में से बच के हमारे पास आए थे, तो वो बदला हम पे निकालते रहते हैं। लेकिन अब मैंने किया ये, क्योंकि हम अपने घर में शिफ्ट होने वाले हैं, अल्लाह का शुक्र है अपना घर ऑलमोस्ट डन हो गया अनकरीब। सो व्हेन आई शिफ्ट टू माय ओन हाउस, मैंने एक
अपना किचन और एक एक बार भाई का किचन बनाया है, क्योंकि वो उनका, क्योंकि वो मेरे तो, और दोनों बहुत ही अच्छे हैं. ये नहीं कि उनका किचन एक इतना सा, मतलब सेम लेवल सेम क्वालिटी, बट मैंने अपना किचन जो है उसमें ताकि मैं खाना बना सकूँ, क्योंकि जब मैं फिर अलमारी खोलती हूँ और वहाँ पर कुछ चीज़ें ऊपर. कलर्स कौन से हैं सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट मेरे मेरी कपड़ों की अलमारी में? आई हैव अ लॉट ऑफ रेड, ऑरेंज, ब्लू इज़ वेल, क्योंकि वो थोड़ा सा जो मेरी आ जाती है वो वाली साइड भी, एंड स्टेपल्स भी हैं. मेरी अब अलमारी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई है टू हमारा काम. हाँ, वरना अगर नेचुरली मेरे से पूछा जाए तो मेरे अलमारी में वाइब्रेंट कलर्स होंगे. कभी पेंट किया? कोशिश की, मतलब वो जो होता है ना कि अपनी बेइज्जती आपके तहत कुछ काम बंदा ना ही करे तो बेहतर है. आई कैन नॉट पेंट, आई कैन नॉट ड्रॉ एट ऑल. हमजा की कभी कोई असाइनमेंट में हेल्प करना पड़ता था तो मतलब घर में क्या कलर है ज़्यादा डोमिनेंट, क्या है सबसे ज़्यादा घर में जो चीज़ें हैं जो ब्लू ब्लू ज़्यादा है? आई लाइक ब्लू, हैज़ अ कामिंग इफेक्ट थोड़ा सा. यू राइट? वो लिखती ज़रूर हूँ और लिखने का शौक भी. शायरी? शायरी नहीं, ऑपेड्स, जस्ट वो जो होता है ना कि फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाली चीज़ें. एक अखबार के लिए भी लिखती थी एट वन पॉइंट, ऑपेड सेक्शंस, उसके बाद फिर अभी किताब भी लिखी, पोइट्री वगैरह उस किस्म की चीज़ें. मेरा एक्चुअली क्रिएटिविटी है वो एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. और अगर आप फिर बात करें कि अगर एक्टिंग के अलावा मुझे कोई कहता कि बस करना है, कुछ करना है लेकिन एक्टिंग के अलावा करना है, तो मैं प्रोडक्शन के काम में आती, मैं प्रोड्यूसर बनती. लिखोगी? नहीं, कौन? आई थिंक जिस तरह की ज़िंदगी है ये लिखी जानी चाहिए. देखें समीना पीरज़ादा अपनी इस अमेजिंग जर्नी और इतनी बड़ी स्टार इंटरनेशनल होने के बाद अगर ऑटोबायोग्राफी लिखे ना तो लोग कहेंगे वाजी. जुगन जैसा एक प्रीटी मच नोबडी कुछ लिखेगा तो लोग कहेंगे जुगन ने जिंदगी जी है, हर तरह से जी है. जुगन ने अपने आप को संभाला है, आई थिंक जुगन ने अपने आप को बचाया है, जुगन ने जिया है. जुगन जुगन की किताब होनी चाहिए, समीना की भी होनी चाहिए, समीना की भी होनी चाहिए. और हम लोगों को लिखनी चाहिए, पाकिस्तान में रुझान नहीं है ना ऑटोबायोग्राफीज का, लिखनी चाहिए क्योंकि हमें हमेशा ये कहा गया है कि हमारी ना इतनी वर्थ है और ना ही इतनी औकात है. हम लिखेंगे तो लोग कहेंगे कि बड़ा अपने आप को समझना शुरू हो गया. नहीं, ये हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है. हर इंसान की वर्थ है, हर इंसान जो है वो ज़र्रा जो है वो आफ्ताब है. और अगर ना होता तो अब जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं लोगों की कहानियाँ वायरल होते हुए, 3-4 मिनट में कोई इंसान अपनी कोई कहानी का, ज़िंदगी का इंसिडेंट सुनाता है और वो वायरल हो जाता है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं भी नॉर्मल हूँ, इनके साथ भी हुआ था. और आई थिंक अगर कभी किसी के साथ कुछ भी हो वो शेयर करना चाहिए. इंसान के साथ वायलेंस अगर है या इंसान खुश नहीं है तो पेरेंट्स या आई थिंक के फैमिली इसीलिए होती है कि आप उनको प्रोटेक्ट ना करें, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें. हमारे यहाँ ये गलत काम है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बजाय हम दूसरों को प्रोटेक्ट करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं वो हर्ट हो जाएंगे, वो माइंड कर लेंगे. मेरे साथ हुआ ये नहीं हमजा के केस में. मैंने जब अपनी एक दफ़ा बहुत साल पहले, बहुत बिल्कुल शुरू में, जब मैं नई नई लाहौर वापस आई थी हमजा को लेके, तो मुबशर लुकमान के शो पे अपनी कहानी शेयर की, तो 50 और चैनल्स ने फ़ोन करना शुरू कर दिया कि अपनी कहानी शेयर करें. मैं चुप हो गई क्योंकि उस वक्त हमजा को कोई आइडिया नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. अब क्योंकि हमज़ा नोज़ कुछ, इसमें मेरी अम्मी की गलती मैं ये कहूँगी कि उनको नहीं बताना चाहिए था, उन्होंने हमज़ा को काफ़ी चीज़ें बताई. अब क्योंकि हमज़ा को पता है कि क्या हुआ कैसे हुआ, काफ़ी चीज़ें मैंने उसको नहीं भी बताई और वो चीज़ें मैंने शेयर भी नहीं की. बट बहुत सी जो रियलिटीज़ हैं जो उसने सुनी भी हैं, जो उसको दूसरों ने भी बताई हैं, क्योंकि अब उसको पता है तो मैं आपसे खुल के बात कर पाई. जहाँ बच्चे आते हैं वहाँ पे देखे ना, अभी बच्चों को ये चीज जब लोग देखेंगे, प्रोटेक्ट करना चाहिए, एब्सोल्युटली करना चाहिए. बट जब एक पॉइंट आता है अब जहाँ पे उसको पता है और वो सवाल करता है और मैं उसके सवालों के जवाब देती हूँ, तो मैंने सोचा कि ये बात, ये वायलेंस वाली बात अगर बंदा छुपाता ही चला गया सारी जिंदगी, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्सेप्ट करते हैं. बताने का तरीका भी है ना, अगर आप बिटर हैं तो शायद आपको नहीं बताना चाहिए, लेकिन अगर आपने सीखा है और आप में उससे निकल कर अपने पीसेस जमा करने की में हिम्मत आई है. देखें अंग्रेजी की टर्म है फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी. ये एक दफ़ा तो आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया तो आपको शर्म आनी चाहिए. लेकिन बार बार नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी मर्जी से रही और रहती चली गई. क्या कर लेता अगर मैं छोड़ के चली जाती पहली दफ़ा के बाद.
जुगन के लिए सक्सेस क्या है? सुकून, जिंदगी में सुकून होना, रात को सोना और सुबह जागना और बार बार ना उठना और एक सुकून की नींद सोना और आपके इर्द गिर्द के लोगों को आपसे कोई गिला ना होना, माँ बाप की खिदमत कर पाना, नॉट जस्ट के जाके टांगे दबा दी फाइनेंशियली एंड इन एवरी अदर वे, ये चीज़ें मेरे लिए कामयाबी हैं। क्योंकि जब मैंने एंड में जाना ना अपनी कब्र में, तो मैंने कोई एसेट्स लेके नहीं जाना। ऑफकोर्स अगर डीप डार्क ख्वाहिश की बात करें तो आई वुड वॉन्ट कि बंदा बंदा नाम जाने और नाम लेके तारीफ करे। मुझे हमेशा से शौक था कि मैं फिल्म स्टार बनूँ, लेकिन मेरा बच्चा छोटा था, ये था वो था, अकेली थी, बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाई। बट रिग्रेट इसलिए नहीं करती क्योंकि एक 11 साल का अमेजिंग यंग पर्सन मेरी ज़िंदगी में है। अब हसन भी हैं, यू नो हुज़ 10 months old। अब मेरा मियाँ कहता है कि जाओ, तुमने करना है तो तुम करो, मैं संभाल लूँगा, क्या मसला है। इज लाइक आई एम ऑल्सो वर्किंग, यू आर ऑल्सो वर्किंग, मैनेज कर लेंगे, यू नीड टू ट्रैवल, गो ट्रैवल। तो अब मैं अपने एवेन्यूज़ को रीओपन कर रही हूँ। पहले तो हर बात पे ही होता था हमजा बहुत छोटा है, और कितनी दफ़ा लोग आपको आके कहेंगे कर लो कर लो, तो एक अब वो जो है वो चीज़ मैंने ज़रूर। फेलियर क्या है भी या नहीं? आई थिंक फेलियर नहीं होता, आई थिंक सिर्फ टर्निंग पॉइंट्स होते हैं ज़िंदगी में, आप गिरते हैं और आप उठते हैं। सबसे बड़ी कामयाबियाँ ही उन लोगों को मिलती हैं जो बार बार गिरते हैं। जिसको गिरना ही नहीं आता उसको कामयाब होना। What makes you happy? Really happy? My children. And unhappy? जब मैं लोगों को ज्यादती करते हुए देखती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि लोग बहुत जजमेंटल हो जाते हैं किसी भी इंसान की मजबूरी या मुश्किल वक्त को के अंदर लोग प्लेजर लेना शुरू हो गए, अजीब सा ज़माना है। मैं अक्सर देखती हूँ हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी में किसी के साथ कुछ बुरा होगा तो सारे जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हो जाएंगे, अच्छा हुआ, पता नहीं कब से उसकी गुड्डी चढ़ी हुई थी। भाई तुम तो तेनू की। What would you like to erase about yourself? Erase? हाँ, ये नहीं मुझे, ये नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर द अमेजिंग थिंग्स इन माई लाइफ एंड आई एम इवन मोर ग्रेटफुल फॉर ऑल द बैड थिंग्स दैट हैपेंड। मैं बहुत 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 खुशकिस्मत हूँ कि मैंने ये ज़िंदगी जी, और मैं रब का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे मेरी इतनी औकात रब ने समझी कि मुझे इन ट्रायल्स और इश्यूज से। Have you become a better person with all the adversities? क्योंकि इसमें आपको बिटर और बेटर वाला ही ऑप्शन होता है ना कि बेटर बन जाओ या बेटर बन जाओ। आई लाइक टू थिंक के आई हैव बिकम अ लिटिल बिट बेटर एज अ पर्सन। हमारी जिंदगी में एक ही काम कर सकते हैं ना कि अपने आप and always work towards becoming a better version of yourself. ek hi kameez ke 6 different kism ki aap wo bana sakte hain, lekin uske sabse behtareen, sabse decent, sabse elegant look nikale to kya hi baat hai. to insaan bhi agar apne aap ko aise improve kare to kya hi baat hai, hai na? to ye hai koshish. aur zindagi kya hai? zindagi bahut lambi aur bahut choti si journey hai jisko apni izzat ko intact rakhte hue और दूसरों की इज्जत नफ्स को हर्ट किए बगैर आपने गुजारना है और जीना है। जिंदगी सिर्फ गुजारनी नहीं है, जीनी है और भरपूर अंदाज में जीनी है। और जब भी गिरना है अल्लाह का शुक्र अदा करके उठना है, और शुक्र इसलिए अदा करना है कि व्हेन यू आर ग्रेटफुल इन योर टफेस्ट टाइम्स, वो चीज़ आपकी पूरी परसेप्शन जिंदगी की बदल देती है। और मौत, मौत क्या है? मौत एक ट्रांजिशन है, सिर्फ जिस्म रूह को छोड़ के जा रही है, मगर कहाँ जा रही है? उसके पास जो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। When your father died, did you understand then what death is? उस वक्त मैं ऑटो पायलट पे थी क्योंकि उस वक्त सिर्फ चीज़ें ऑपरेशनली करनी थी, और मुझे गिला इस बात का था कि मतलब अभी तो हमने एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी थी, अभी तो आपने मुझे अंडरस्टैंड करना था और मैंने आपको अंडरस्टैंड करना था, तो आप चले गए, अभी तो मुझे बाप की ज़रूरत थी। और हाँ, जब अहमद ने कभी मारा, जब गालियाँ निकाली, जब ज़िंदगी में कभी ठोकर खाई, जब किसी मीडिया के इंसान ने वाहियात सी कोई बात की, तो मैं यही सोचती थी मेरा बाप जिंदा होता आज तो ये ना होता। ये होता है पावर ऑफ पेरेंट्स। आज भी जब जान निकलती है मामा की गोदी में, लिटरली जाके आज भी बैठ जाती हूँ, कल मामा की गोदी में बैठी हुई थी, लिटरली गोद में जाके बैठ जाती हूँ। Have you forgiven your father and your mother?
for not understanding you. What is there to forgive them for? वो खुद अपनी अपनी जिंदगियों के विक्टिम्स थे उनकी क्या गलती है वो भी जिंदगी जी रहे थे मैं भी अपनी जिंदगी जी रही हूँ कल को हमजा भी कहेगा आपने अगर ये किया होता अगर आपने इतना काम ना किया होता अगर आपने ज्यादा काम किया होता तो वो भी इंसान है मैं भी इंसान हूँ तो ये अंडरस्टैंडिंग आई कहाँ से जब खुद माँ बनी और जब एहसास हुआ कि हर वक्त आप परफेक्ट बिहेवियर पे नहीं हो सकते औलाद के साथ भी अब जुगन कहाँ जा रही है Wherever life takes me, बहुत प्लान कर लिया अब जिस डायरेक्शन में जिंदगी लेके जाएगी वहाँ चल पड़ूंगी ब्रेक की नहीं लगानी अब पहले बहुत ब्रेक के लगाई अब नहीं लगानी क्योंकि अब एक सिक्योरिटी और एक हौसला है ना कि खड़ा हुआ है साथ वैसे इसलिए अब ब्रेक नहीं लगानी अब आई विल गो विच एवर डायरेक्शन वो जो कहते हैं ना विच एवर वे द विंड ब्लोज आई विल गो Juggun, thank you so much. Thank you. What a pleasure. Iti pyari cheez ho tum. You know I love you. I love you too. Thank you. Assalamu alaikum. Main hoon Samina Peerzada. Aap mujhe dekhenge Rewind with Samina Peerzada mein. Sirf on PTCL Smart TV. और मोहब्बत मोहब्बत है क्या शय अल्लाह जाने है जितनी जुबानें हैं उतने फसाने आई थिंक लव इज मैं मोहब्बत में थोड़ा सेल्फिश हूँ बिछड़ने वाले में सब कुछ था बेवफा